सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम जाखू मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखिए गाइस, ये इनका एंट्रेंस है और यहाँ पे आप बर्फ देख सकते हैं गाइस। अगर मैं आपको बर्फ दिखाऊं तो अच्छी खासी बर्फ है। ये देखिए यहाँ पे गाइस, अब यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये देखिए इतना सुंदर है गाइस। बहुत ही अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी बर्फ पड़ी हुई है। तो गाइस यहाँ नीचे तक आने के लिए टैक्सियाँ मिलती हैं, इस बार काफ़ी रेट बढ़ा रखी है उन्होंने, तो काफ़ी लोग यहाँ से आप देख सकते हैं पैदल आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे मिलती हूँ ऊपर जाके। बर्फ बहुत ही अच्छी खासी पड़ी है गाइस, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं ऊपर जाखू मंदिर में, तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो मेन मंदिर ये है गाइस। अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि रियांश और रियांश के पापा उधर फोटो खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है मंदिर, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ। और अगर मैं आपको दिखाऊं बर्फ, तो गाइस बर्फ बहुत अच्छी खासी पड़ी है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए गाइस। चलो ले आओ हेलमेट। ये है पूरा यहाँ का पीछे से व्यू, ये देखिए गाइस बहुत अच्छी खासी बर्फ गिर रखी है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, यहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है, जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट डे व्लॉग में भी दिखाई थी जब हम माल रोड जा रहे थे। तो आज मैं वो मूर्ति आपको एकदम सामने से दिखाती हूँ गाइस। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, इधर से पूरा घूम के है गाइस। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, यहाँ साइड में थोड़ा साफ कर दिया है, यहाँ पे पूरी बर्फ है। देख सकते हैं गाइस आप, बर्फ बहुत अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है, जम के जिसे कहते हैं, और बहुत फिसलन भी है यहाँ, इसलिए मैं साइड से ही जा रही हूँ बस। ये देख सकते हैं आप, और ये रही हनुमान जी की विशाल टाइप मूर्ति, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ है, यहाँ एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए गाइस यहाँ पे झूले हैं इस एरिया में, आप देख सकते हैं। अच्छे से बर्फ है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बर्फ अच्छी खासी जमी हुई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी बर्फ मिली है।
और एक बात मैं अगर बताऊँ आपको गाइस, तो यहाँ अभी जो नीचे से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो टैक्सी ड्राइवरों ने बहुत हाई तवा मचा रखी है। 500 उन्होंने रेंट कर रखा है उसका, आने जाने का। पिछले लास्ट ईयर हम 250 में आए थे, तो बिल्कुल डबल कर दिया है। पर नीचे उतरने के लिए अब हम सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। हमने आने जाने का दोनों का टैक्सी की थी, लेकिन अब हम जाते हुए टैक्सी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें दूसरा रास्ता पता चला है नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का। और वहाँ पे गाइस बर्फ़ बहुत अच्छी है, तो हम वहीं से जाएंगे और बर्फ़ का पूरा मज़ा लेते हुए जाएंगे गाइस। तो मैं वहाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छी खासी बर्फ़ है। तो शायद हम अब वहाँ भी नहीं जाएंगे, टूफ्री बहुत अच्छी बर्फ़ मिल रही है हमें यहाँ, तो शायद टूफ्री में भी हम नहीं जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आज हम यहाँ अच्छे से इंजॉय करेंगे शाम तक, और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं गाइस। बर्फ़ बहुत अच्छी मिल रही है टूफ्री में, और कुछ नहीं है गाइस, टूरिस्ट वही है रिसॉर्ट, और उसमें बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो अभी रियांश छोटा है, तो हम वहाँ अवॉइड करेंगे रिसॉर्ट्स में, क्योंकि अभी जो है ये बर्फ़ कहीं कहीं जगह काली पड़ गई है और वो बहुत फिसलती है, तो गिरने के बहुत चांस हैं, बहुत फिसल रहे हैं लोग। पर चलो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सेफ्टी के साथ घूमने की और बर्फ़ के मज़े लेने की। तो आप देख सकते हैं, तो चलिए जाए, सब चलते हैं रियांश के पास। बर्फ तो बजाया, बस करो बस करो, जैकेट पहनो बस करो। हम भी तो कर रहे हैं बेटा, ऐसे जो करते हैं ना सर्वर लगे ना फूट जाता, और कहाँ जाएंगे अभी। ऊपर डांस कर रहे आप, कैसे कर रहे अब आप, जैसे चढ़े थे कितनी बड़ी बर्फ ले आए डोगु, तुम इससे ऊपर मत जाओ, इससे ऊपर मत जाओ। ये रहा ब्रो, हाँ ना मैं ना देखो, पास आके मारो मम्मी को, पास आके मारो। हाँ डोगो से लड़ाई, डोगो तगड़ा है, डोगो तगड़ा है। ये गया, तुम ध्यान रखना, डोगो सुपर मत जाना।
कितना बड़ा पत्थर ले आया डोगू, बाहुबली सर बचाओ। ये नहीं 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 यार सुनो आते तो मम्मी को तंग हो जाएगी मम्मी तो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुकी है शाम। गाइज आप देख सकते हैं भगवान जी की प्रतिमा, अब शाम हो चुकी है गाइज, अब हम फिर होटल के लिए निकलेंगे। काफ़ी मज़ा आया आज, हमने पूरा दिन यहीं बिताया अपना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बर्फ थी गाइज आज, ये देखिए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हम नीचे जा रहे हैं जागो मंदिर से, ये देखिए गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं। थोड़ी देर हम यहाँ बर्फ में रहेंगे फिर हम जाएंगे, ये देखिए गाइस। आप देख सकते हैं बर्फ इस बार जम के पड़ी हुई है गाइस, यहीं पे हमें अच्छी खासी बर्फ मिल गई। सो हमारा टूफ्री का प्लान भी कैंसिल हो गया है, अब हम टूफ्री नहीं जाएंगे, छोटी टूफ्री में भी ऐसी ही बर्फ मिलेगी देखने को। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम यहीं पे आज फुल एंजॉय करके उसके बाद होटल में जाएंगे आराम से। तो आप देख सकते हैं हम नीचे, और एक बात और गाइस यहाँ पे आज बंदर नहीं थे, जब लास्ट ईयर हम आए थे तो बहुत बंदर थे गाइस, अब बंदर नहीं थे। तो चलिए जय। सो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं हम नीचे और आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ का नज़ारा गाइस। अब ठंड बहुत बढ़ चुकी है और ये रहे मैं रियांश दिखाऊँ तो ये तो बर्फ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, ये देख ये तो इसी पे बैठा हुआ है, इसे ठंड भी नहीं लग रही, बताएं क्या है, लगा हुआ है खेलने में लगातार 3-4 घंटे हो गए इसे खेलते हुए, ये देखिए आप, ये तो बस कह रहा है कि बर्फ से निकलो ही मत। तो आप देख सकते हैं बर्फ का नज़ारा बहुत अच्छा है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। और यहाँ हम आ रहे हैं मंदिर से नीचे, ये देख सकते हैं आप, अब ठंड बढ़ चुकी है गाइस। अब मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगी, अब हम टैक्सी वाले भैया को जरा कॉल कर लेते हैं और उन्हें बुला लेते हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से गाइस सीढ़ियों का रास्ता भी है, ये देखिए आप, ये सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जा रहे क्योंकि बीच में थोड़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है तो वहाँ रिस्की हो सकता है, पता नहीं बर्फ़ कैसे हो, फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो इस वजह से हम वापस टैक्सी ही करेंगे। लोड आ रहे जा रहे हैं बट कुछ पता नहीं चलता गाइस, बच्चे साथ थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है। रियांश तो यहाँ बहुत मज़ा आया, रियांश काफ़ी इंजॉय किया रियांश ने, वो तो कह रहा कि बस यहाँ से निकलो ही मत। तो आप देख सकते हैं गाइस सीढ़ियों के रास्ते से भी मोस्टली लोग जाते हैं, ये देखिए गाइस। तो चलिए गाइस अब मैं टैक्सी के आने के बाद आपसे मिलती हूँ, अब हम कॉल करते हैं भैया को और बुलाते हैं, ये देखिए। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो चलिए गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हम नीचे आ गए गाइस जागो मंदिर से, वहाँ के टैक्सी स्टैंड से अब हमने अपनी गाड़ी ले ली है। तो अब ये हम वापस जा रहे हैं माल रोड की तरफ, ये देखिए गाइस। पापा हमें घर जाना। ओके अच्छा जी हमारा घर, अब टूटू टूट घर की याद आ रही है बहुत। ये देखो आज हमने की बहुत मौज मस्ती, रियांश कैसा लगा?
बहुत अच्छा, इसने इतनी मस्ती की है गाइस कि ये तो आने को तैयार ही नहीं हो रहा था वापस भी, ना इसे ठंड लग रही थी। पर अब शाम हो चुकी है और काफी ठंड भी बढ़ चुकी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं गाइस बर्फ बहुत अच्छी खासी गिरी हुई है। ये देखिए शाम के टाइम और अच्छी लग रही है बर्फ, है ना किनारों में साइनिंग हो जाती है ना। तो चलिए गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, अब मिलती हूँ आपसे होटल में जाके। सो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं हम गाइस कसौली में और यहाँ पे हम होटल पे आए हैं क्योंकि वहाँ हमारा टूफरी का कोई प्रोग्राम नहीं था, बर्फ़ हमें जाखू मंदिर में ही देखने को बहुत मिल रही थी, तो इसलिए हम वापस आ गए हैं कसौली की साइड। कल हम कसौली घूमेंगे, तो यहाँ हमने रूम किया है गाइस, स्मॉल रूम ही है आप देख सकते हैं इसे, ये देखिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है और ये है मिरर और हमारे रियांशी गाड़ी में अपनी नींद पूरी करने के बाद अब फिर सो चुके हैं। और यहाँ मैं दिखाऊँ तो ड्राइव वॉशरूम भी बहुत सुंदर है, ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बाहर से रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है गाइस, मैं सुबह आपको दिखाऊंगी बहुत सुंदर है। तो अभी बज चुके हैं रात के 9, तो इसीलिए हम आ गए थे और रात को फिर हमने ज़्यादा ढूंढा नहीं, ठीक लग रहा था ये हमें क्योंकि बाकी तो हम कल कसौली का घूम के वापस चले जाएंगे, अम्बाला शाम तक घर चले जाएंगे तो शाम तक हम फ्री हो जाएंगे। तो यही था गाइस मेरा 3-4 दिन का छोटा सा टूर, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कल हम कसौली घूमेंगे तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लायक। यहाँ पे अभी हमने सामान ऐसे ही फैला दिया, देखो गाइस बिल्कुल क्योंकि आप बहुत थक चुके हैं, बस अब तो डिनर यहीं मंगवाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो चलिए गाइस मिलती हूँ कल सुबह आपसे, गुड नाइट, लव यू गाइस।